हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक हैं? हम भी ठीक हैं, आशा करती हूँ सब ठीक ही हैं। मैं फिर से आ गई आप लोग के बीच में। ये देखिए, ये है आटा। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए। तो ये है आटा, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये है घी, देसी घी, इसको मैं 2 चम्मच डाल देती हूँ। ये रिफाइंड है, इसको भी मैं 4 चम्मच रिफाइंड डाल देती हूँ। देखिए 4 चम्मच हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये दे दिए हैं। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ऐसे ऐसे करके। आज मैं आप लोग के लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, होली स्पेशल रेसिपी। तो आप लोग देखते रहिए लास्ट तक वीडियो। देखिए इसको ऐसे करके अच्छे से मैश करूंगी ताकि इसके गुठलियाँ सारे हैं अच्छे से मैश हो जाए। उसके बाद उसी के हिसाब से पानी डाल के गूंथ, आटा को गूंथ के, जैसे आटा लगाते हैं हम लोग वैसे लगा के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैं अच्छे से मैश कर ली हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये मुट्ठी बन रहा है। ये देखिए पूरा गुठली इसका ख़त्म हो गया है। अब इसी हिसाब से मैं इसमें पानी डालूंगी और आटा का एक डो लगा के रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। थोड़ा पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का हल्का करके इसको ऐसे ऐसे करके मैश कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये आटा मेरा गूंथ रहा है। देखिए दोस्तों, आटा मेरा गूंथ के तैयार हो गया है। अब मैं इसको रख देती हूँ। और आटे से मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैदा शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आज आटे से ही मैं आपको रेसिपी बना के दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए दोस्तों, ये मूँगफली है, मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। हल्का रोस्ट कर लूंगी, फिर इसको क्रश कर दूंगी। देखिए चटक रहा है, थोड़ा सा और ब्राउन कर लेती हूँ। रोस्ट हो गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसका छिलका उतार लूंगी। चलिए दोस्तों, ये कढ़ाई मैंने रख दिया गैस पे। देखिए गरम हो गए हैं, अब मैं इसका मसाला तैयार करूंगी। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहे। देखिए इसको सारा पीस ली हूँ मैं, ग्राइंडर कर ली हूँ। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल देती हूँ। एक चम्मच जीरा का फोड़न डाल देती हूँ। यह है अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, मैं इसको भी डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है, अब मैं मटर डाल देती हूँ। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी मिला देती हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। इसे ऐसे करके मिला लेना है, ऐसे करके भूनना है थोड़ी देर, जब तक इसका पानी सूख ना जाए। प्याज मैंने काट के रखा था, उसको भी मैं अब इसी में दे देती हूँ। इसको भी अच्छे से फ्राई करूंगी। देखिए
इसको ऐसे अच्छे से भूनना है, एकदम रोस्ट कर लेना है और तेज आंच में भूनना है। ये नहीं कि कम आंच में भूनेंगे तो प्याज सारे गल जाएंगे। तेज आंच में बहुत अच्छे से भूनना है इसको, पूरा पानी सुखा देना है इसका। देखिए दोस्तों ये लगभग रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मूँगफली जो मैंने क्रश करके रखी थी, इसको भी इसी में डाल देती हूँ। इसको भी ऐसे ही भून लेना है। थोड़ी देर इसमें मैं 2 चम्मच बेसन भी डाल देती हूँ, इससे एकदम सूखा सूखा मेरा मसाला बन जाएगा। अब इसको फिर अच्छे से ऐसे ही भून लूंगी। लास्ट में मैं 1 चम्मच अमचूर भी डाल देती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप लोग ऑप्शन है ये, आप लोग चाहे तो डाल सकती है, नहीं तो नहीं भी डाल सकती है। देखिए दोस्तों ये मेरा भून के तैयार हो गया है, कितना झुरझुरा टाइप का हो गया है। इसी टाइप का आपको भी बनाना है, कभी अगर घर में बनाइए तो जरूर बनाइए। और ये स्टफिंग मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसका बनाने जा रही हूँ नमकीन भुजिया। मीठा भुजिया तो खूब बहुत सारे लोग खाए हैं, सब भी खाए हैं, मैं भी खाई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन भुजिया, जो आप लोग भी घर में ज़रूर बनाइएगा। देखिए दोस्तों ऐसा अगर मैं स्टफिंग बनाती हूँ ना, जैसे बच्चे देखते हैं वैसे ही बच्चे बोलते हैं मम्मी ये वाला भुजिया बहुत मस्त लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप ऐसे ही गुजिया बनाया करिए मीठे वाले से, ये ज़्यादा टेस्टी लगता है बच्चों को। चलिए दोस्तों ये देखिए आटा को थोड़ा सा मिला लेती हूँ ऐसे करके। अब इसका छोटा छोटा मैं लोइया बना लूँगी। अब मैं इसको बेल लूँगी। इसमें आप मैं स्टफिंग कर देती हूँ। मैं इतना सारा बना ली हूँ ऐसे करके बना लीजिए। और अब जा रही हूँ मैं तलने के लिए। चलिए ये तेल मेरा गरम हो गया है, अब मैं इसमें छोड़ दूंगी एक एक करके। बहुत ज़्यादा आंच नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ऐसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। देखिए दोस्तों ये चाशनी बनके मेरा तैयार हो गया है, ये देखिए। अब मैं इसमें गुजिया डाल देती हूँ गरम गरम में। इसमें मीठी और खट्टी, नमकीन मीठी सब हो जाएगा इसी में।
अगर मीठा खाने का मन हो तो ऐसे आप चाशनी में भी डाल सकती हैं। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि अंदर तक फिर मीठा चला जाएगा। मीठे के लिए खाली ऊपर ही थोड़ा सा रखना है, थोड़ी देर में ही इसको निकाल लेना है प्लेट में ताकि इसमें मीठे का भी स्वाद आएगा और नमकीन का भी स्वाद आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना सुंदर बना है देखिए। और ये एक हफ्ता तक चलेगा, कम से कम 4-5 दिन तो चलेगा ही चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा क्योंकि मसाला पूरा अच्छे से इसको भून दिए थे हमने। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो ऐसे आप लोग बना के खाइए। तो चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए मेरा बन गया है, गुजिया बन के तैयार हो गया है। ये आटे से बने हुए नमकीन गुजिया तैयार हो गया है। ये है सॉस, इसके साथ आप चटनी भी ले सकती है। और ये है मीठा गुजिया जिसको मैंने चाशनी में डाल दिया था, अगर पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप नमकीन भी खा सकते हैं। तो ये नमकीन वाला गुजिया का रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।